हिमाचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्नब गोस्वामी मामले में एक बार फिर रजत शर्मा को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया था जिसके बाद लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के साथ आपने क्या किया था। दरअसल ट्विटर पर एक ट्वीट रजत शर्मा को भारी पड़ गया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करो, दिए को जलाने में समय लगाओ, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाओ। रजत शर्मा के इसी ट्वीट को किसी ने अर्नब गोस्वामी से जोड़ा तो किसी ने ये कहा कि पहले आपको खुद के अंदर जो बुराइयां हैं उस पर नजर डालनी चाहिए और अगर कोई आपसे ऊपर है तो आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश न करें, अपने आप को ऊपर उठाएं। और इसी को लेकर अर्नब गोस्वामी मामला और जिस तरीके से उस वक्त रजत शर्मा ने ट्रंप के बहाने अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधा था, फेक टीआरपी केस में परमवीर सिंह को बिठाकर प्रोग्राम किया था और झूठे आरोप परमवीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी पर लगाए थे और उस प्रोग्राम में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को एक विलन के रूप में दिखाया गया, रजत शर्मा ने बहुत ही वाहवाही उस वक्त लूटी और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उस मामले में इनको उसके बाद ट्रोल भी होना पड़ा। कई सवाल इनके सामने खड़े थे लेकिन एक भी जवाब ये नहीं दे पाए। अर्नब गोस्वामी ने भी सीधा सवाल इनसे पूछा था और ये कहा था क्या आप प्रोग्राम करेंगे जब इंडिया टुडे का नाम रिपोर्ट में है और खुलासा ये हो गया है कि रिपब्लिक टीवी नहीं बल्कि इंडिया टुडे फेक टीआरपी मामला इंडिया टुडे का है, वो उसमें फंसा हुआ है, तो फिर आपने प्रोग्राम क्यों नहीं किया सिर्फ अर्नब गोस्वामी को नीचा दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो नंबर वन है, तो उन्होंने फेक टीआरपी घोटाला किया है। कई सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से मीडिया ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के बारे में जो गलत चीज़ें दिखाई थी उसको लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ था। अब उसके बाद जब रजत शर्मा ने इस तरीके से ट्वीट किया है तो रजत शर्मा से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उस वक्त ये ज्ञान आपने क्यों नहीं दिया था जब आप अर्नब गोस्वामी को टारगेट कर रहे थे और ट्रंप के बहाने उन पर निशाना साधा जा रहा था आपके तरफ से, और आप किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने के लिए परमवीर सिंह को बिठाकर प्रोग्राम कर रहे थे। अब इस पर लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे और रजत शर्मा से ये सवाल पूछा जा रहा है। वैसे पहले भी रजत शर्मा ने जब ट्रंप के बहाने अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधा था उस वक्त भी लोगों ने कई सवाल खड़े किए थे और रजत शर्मा को ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा उनको भारी पड़ गया यह ट्वीट, क्योंकि ज्यादा ज्ञान देना भी तभी जायज़ होता है जब आप उस जो ज्ञान आप दे रहे हैं दूसरों को उसका खुद पालन करें, लेकिन आपने नहीं किया। एक चैनल जो अपनी मेहनत से नंबर वन बना हुआ है उसको नीचे दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। टीआरपी मामले में जब सीबीआई जांच कर रही थी दूध का दूध पानी का पानी आ जाता, उस वक्त भी आपने ये कहा कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। मुंबई पुलिस लगातार झूठ बोले जा रही थी लेकिन आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुंबई पुलिस जो झूठ बोल रही है उसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई दिखाना आप लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। इसके साथ ही जब मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी पर बर्बरता कर रही थी उस वक्त भी आपने अर्नब गोस्वामी और पत्रकारों का साथ नहीं दिया। 1000 पत्रकारों पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई और तानाशाही जो हुई महाराष्ट्र में उस सब के खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई और उसके बाद ये बोल रहे थे आप कि आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, आपको लगता है कि मीडिया आपका समर्थन करेगा, ये तंज जिन्होंने अर्नब गोस्वामी पर कसा था। और उसके बाद सच सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई और सच्चाई आने के बाद इन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा था और एक बार फिर अब जनता इनके मुंह पर करारा तमाचा मार रही है और ये सवाल पूछा जा रहा है लोगों की तरफ से। नीरज कुमार सिन्हा ने इस पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फेक टीआरपी केस को लेकर आपने भी अपने चैनल पर अर्नब गोस्वामी पर 1 घंटे न्यूज चलवाया था लेकिन जब मूल एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम आया तब आपने चुप्पी साध ली। दीपक तो बिना भेदभाव किए अपने उजालों से सबका अंधेरा मिटाता है, इसलिए आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका उत्तर नीरज कुमार सिन्हा ने दिया है। इसके साथ दीप नाम के एक यूजर ने लिखा है कि रजत जी अपना उद्देश्य भूलकर चैनलों के चक्कर में उलझ गए हैं, हम आगे की नस्ल को एक सुरक्षित भारत दें, ऐसा नहीं जहां सड़क पर खड़े पुलिस के सामने साधु मार दिए जाएं। अर्नू ने लड़ाई की, आवाज़ उठाई और रजत जी ने बस कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते। इसके साथ उन्होंने कहा कि जितनी शर्म मुझे रजत जी पर है किसी पर नहीं है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा कि किसी को नीचा दिखाने के बजाय खुद इतनी बड़ी लकीर खींचो कि दूसरी लकीर अपने आप में छोटी हो जाए, अर्थात ईर्ष्यावश किसी को छोटा करने के बजाय खुद को बुलंद करो। इस पर एक यूजर ने जवाब देते हुए कहा
कि अर्नो सर ने भी ऐसी ही लकीर खींची, पर रजत जी को उनके जैसे कुछ और लोगों को सहन नहीं हुआ था। यानी कि अर्नो गोस्वामी का जो ऊपर उठना और जिस तरीके से लोकप्रिय वो बने, ये इन लोगों को सहन नहीं हुआ कि दूसरा कोई आकर और इतने कम समय पर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है। इन लोगों ने तो मेहनत नहीं की, किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जिस तरीके से गलत चीज़ें दिखाई गईं, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए, हाथरस का मामला सामने आया, एक तरफा मामला दिखाया गया वो भी झूठ, और कांग्रेस से किस तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप ने हाथ मिलाकर एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचा, उन सब मामलों में सच्चाई इन लोगों ने नहीं दिखाई। सच्चाई अगर किसी ने दिखाई तो रिपब्लिक टीवी ने दिखाई। साधों के लिए अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो रिपब्लिक टीवी ने, अर्नब गोस्वामी ने। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपब्लिक टीवी ने सच्चाई दिखाई, दिशा सालयान मामले में रिपब्लिक टीवी ने सच्चाई दिखाई। आज भी अगर वो सच्चाई दिखा रहा है, इसीलिए वो लोकप्रिय बना हुआ है, और ये बात इन लोगों को सहन नहीं हो रही है, यही इन लोगों का भी कहना है। साथ जी राव नाम के एक यूजर ने लिखा कि आप भी अपने आप को ऊंचा बनाओ ताकि अर्नो के खिलाफ जो बेबुनियादी आरोप लगाए उसके अपने छलने में बढ़ावा मत दो, सिर्फ इसलिए एक छोटे लड़के ने आपको कोसों मील छोड़ दिया है। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि काश ये बातें आपने अपने आप को सिखाई होती, ये बात आपसे कहता है भारत और रिपब्लिक भारत देखता है भारत। इसी के साथ एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये तो क्यों नहीं किया जब तुम सब मिलकर अर्नब गोस्वामी को नीचा दिखा रहे थे, अगर कंपटीशन ही करना था तो रिपब्लिक टीवी से बेटर करके दिखाते, उनको बदनाम क्यों कर रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये हिपोक्रेसी है जिस तरीके से आपने अर्नब गोस्वामी के साथ किया, उसके बाद आज ज्ञान बांट रहे हो कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करो, दिए को जलाने में समय लगाओ और दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाओ, आज ये ज्ञान दे रहे हैं। इसी के साथ एक यूज़र ने लिखा है, मुकुल देव शर्मा नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि और ये बातें आप स्वयं पर लागू कीजिए, अर्नो के खिलाफ उदो सरकार द्वारा बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई थी वो ईर्ष्यावश जमकर अर्नो के खिलाफ रिपोर्टिंग आप लोगों ने की थी। इसके साथ ही एक यूज़र ने लिखा कि सर आपकी अदालत में दूसरों की टांग खींचते तो हमने देखी है और आपके भी इतिहास हमने खंगाला है, आप भी एक नंबर के दो मुँह वाले सांप हो जनाब। इसी के साथ एक यूज़र ने इस पर सवाल खड़े करते हुए वही बात कही, अर्नब गोस्वामी की ही बात, उन्होंने कि अर्नो मामले में ये ज्ञान आपका कहाँ गया था। अभय सिंह राणा नाम के यूजर हैं, उनका कहने का यही मतलब है, उन्होंने ये ट्वीट किया है। इसी के साथ प्रेम सिंह तोमर नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अर्नब गोस्वामी के समय आपने ऐसा किया था क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा है रजत शर्मा से। इसके साथ ही एक यूजर ने लिखा है कि आप तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि अब ऊपर उठने में आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो रजत शर्मा से इस मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं और उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है। तो रजत शर्मा ने जिस तरीके से उस वक्त अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए जो प्रोग्राम किए थे और उसके बाद जब अवैध अर्नब की गिरफ्तारी होती है उसके बाद किस तरीके से ट्रंप के बहाने निशाना साधते हैं, और तब से ही वो जो सोशल मीडिया यूज़र हैं उनके निशाने पर हैं। अगर कोई भी वो ज्ञान देते हैं तो उस पर लोग उनको याद दिलाते हैं कि पहले जो ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं उसका अनुसरण खुद ही कीजिए। इसी के साथ कई सारे ऐसे यूज़र हैं जो इन सब बातों को लेकर ये अर्नब गोस्वामी से जोड़कर देख रहे हो, और कई सारे यूज़र ये हैं कि आपने जो गैंग बनाई है, किस तरीके से आप खड़े हो जाते हैं अगर जहां पर आपको डर लगता है, जब इंडिया टुडे का नाम सामने आता है, सीबीआई जांच होती है, उस वक्त आप सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं और विरोध करते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र सरकार अगर इतने दिन से रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को परेशान करती है, उस वक्त आप क्यों नहीं सवाल खड़े करते, उस वक्त आप क्यों नहीं उनके समर्थन में आते, और जब अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया जाता है, उनको अवैध तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, उनको तलोजा जेल में रखा जाता है, इन सब को लेकर जब सवाल खड़े किए जाते हैं तो आप तंज कसते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा। इसी के साथ एक अजीत सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अब ये ज्ञान दे रहे हैं और उस वक्त आपने ये ज्ञान क्यों नहीं दिया था जब अर्नब गोस्वामी का चैनल बर्बाद किया जा रहा था, और उस वक्त ये सारे मिलकर किस तरीके से दलाली कर रहे थे और बदनाम करने के लिए और रिपब्लिक टीवी चैनल को नीचा दिखाने के लिए और उसे बंद कराने के लिए ये सारी साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसी के साथ एक यूजर ने कहा, डू इट सर, ये आप अपने लिए
इसी तरीके से आप खुद पर ये अनुसरण करिए। इसी के साथ और बहुत सारे यूज़र हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माइक और कैमरा हाथ लग जाए तो सभी धर्मगुरु बनने लगते हैं। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी मामले में जिस तरीके से हिपोक्रेसी इन्होंने दिखाई थी, उसके बाद लगातार लोग रजत शर्मा से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने CBI जाँच के लिए तो मना किया, लेकिन उसके बाद किस तरीके से परमवीर सिंह को बिठाकर इन्होंने झूठ बोला था, और उस मामले में जब मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी को परेशान कर रही थी तो इन्होंने कुछ नहीं कहा।